हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिलिंद कुमार गौतम और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 12th के यूनिट 10 यानी एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ये बेसिकली एल्काइल हैलाइड की एक केमिकल प्रॉपर्टी है जो इस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट है, मीन्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर आते हैं। दोस्तों, आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर और लाइक करना मत भूलिए और साथ ही मैं बेल आइकन को टैप कीजिए जिससे कि मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूं और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं उसको अपने अगले वीडियो में ज़रूर आंसर करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें मीनिंग क्या है इसका? इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होता है जिसमें कोई अटैकिंग रिएजेंट पहले से प्रेजेंट एटम को रिप्लेस कर दे। अब दूसरी चीज़, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कोई इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर, और इस तरीके से वो पहले से प्रेजेंट ग्रुप या एटम को सब्स्टिट्यूट करती है। अब दोस्तों, ये जो है वो दो तरीके की है, टू टाइप्स। पहला है SN2 और दूसरा है SN1। इसमें हम एक एक करके इन दोनों रिएक्शन की स्टडी करेंगे। इसमें SN2 हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखें SN2 है क्या। ये होता है बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें इस टू का मतलब क्या है। जैसे SN2, ये जो टू लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में मॉलिकुलैरिटी, ये आपने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ा था, मॉलिकुलैरिटी 2 है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 है। इसको N से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर SN2 में 2 का मतलब मॉलिकुलैरिटी 2 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। अब इसको मैं रिएक्शन की हेल्प से समझाऊंगा। सबसे पहली बात, ये जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप। इसमें RX मींस एल्काइल हैलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये रिएक्शन करता है और इसी स्टेप में बनेगा ट्रांजिशन स्टेट। जो फाइनली देगा फाइनल प्रोडक्ट। यहां पर आप देख रहे हैं रिएक्टेंट साइट में दो रिएक्टेंट हैं, इसीलिए मॉलिकुलैरिटी 2 है। इन्हीं दो रिएक्टेंट के वजह से मॉलिकुलैरिटी 2 है। अभी मैंने लिखा था SN2 में 2 का मतलब क्या है, मॉलिकुलैरिटी। ये मॉलिकुलैरिटी 2 है। जब हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो क्या होगा, के रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इस पर और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करेगी और वो भी सेम पावर से। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1+1 इज इक्वल टू 2। इसीलिए यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है।
अब हम आगे इस मैकेनिज्म के कुछ पॉइंट्स देखेंगे। इसमें पॉइंट नंबर वन, गिवन बाय मिथाइल हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड एंड सेकेंडरी हैलाइड। इस रिएक्शन को प्राइमरी हैलाइड देगा, सेकेंडरी हैलाइड देगा एंड मिथाइल हैलाइड देगा। ध्यान रखिएगा, टर्सरी हैलाइड SN2 नहीं देता, अब वो देता है SN1 रिएक्शन। यहां पर दूसरा है बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जो है बैक साइड से अटैक करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनवर्जन इन कॉन्फिग्यूरेशन। इसका क्या मतलब है दोस्तों, अभी बताता हूं। ये देखिए, यहां मैंने पहले से ही दो कंडीशन ली हुई हैं। ये अब सबसे पहले जो मैंने यहां एक कंपाउंड लिया है जिसमें आप देख रहे हैं कार्बन के अराउंड सारे जो ग्रुप हैं और एटम हैं वो डिफरेंट हैं, ए बी डी और एक्स सारे डिफरेंट हैं। ऐसे कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन कहा जाता है। ये जो कार्बन होगा वो एसिमेट्रिक कार्बन है। जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल किसी एसिमेट्रिक कार्बन पर बैक साइड से अटैक करता है तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ऐसी, ये पलट जाएगी, ऐसी है ऐसी हो जाएगी। देखिए, पहले ऐसी थी, ये इस तरफ आ गया, मतलब ये जो एटम है वो अपोजिट साइड आ जाएंगे, यानी उसकी मिरर इमेज बन जाएगी। और इस कंडीशन को इन्वर्जन कहा जाता है। जब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करता है तो ये जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहती है, मींस एज इट इज रहती है, और इसको रिटेंशन कहा जाता है। ये है इन्वर्जन जो इस मैकेनिज्म में होता है, और ये रिटेंशन जो SN1 में होगा वो मैं आगे बताऊंगा। अब दोस्तों एक और चीज देख लीजिए साथ में ही, कि एक जब रिटेंशन और इन्वर्जन कंपाउंड इक्विमोलर अमाउंट में होते हैं तो उसको कहा जाता है रेसमिक मिक्सचर। जब दोनों ये और ये इक्विमोलर अमाउंट में होंगे तो उसको रेसमिक मिक्सचर कहा जाएगा। तो ये था इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसमिक मिक्सचर के बारे में। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ ये आपने देख लिया बैक साइड अटैक। अब हम करेंगे इसमें एक कोई ले लिया हमने C, यहाँ पर Cl, CH3H C2H। जैसा आपने लास्ट वहाँ देखा था कि जो कार्बन जिसमें जिसको मैंने एसिमेट्रिक कहा था उसमें चारों ग्रुप डिफरेंट थे, ये देखिए चारों ग्रुप यहाँ पर डिफरेंट हैं। अब न्यूक्लियोफाइल यानी ये लिया हमने, ये आया फ्रॉम KOH एक्वस। आपकी तरफ से क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये बैक साइड से ही अटैक क्यों करता है। तो देखिए क्या रीजन है, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, और ये OH भी नेगेटिव है। जब ये फ्रंट साइड से अटैक करना चाहेगा तो वो रिपेल होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे, इसीलिए फ्रंट साइड से अटैक नहीं होगा, बैक साइड से अटैक होगा, इसीलिए बैक साइड से अटैक होता है। बैक साइड से अटैक होने पर मैंने यहां लिखा है ट्रांजिशन स्टेट। तो किस तरीके से,